नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो हम जिस प्रश्न की यहाँ बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि 3 वर्षों के लिए निवेश की गई राशि पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दे ब्याज और उसी अवधि के लिए 20% साधारण वार्षिक ब्याज के बीच का अंतर 448 रुपए है, निवेशित राशि क्या है। ठीक है, उसने कहा है कि कोई भी राशि है 3 वर्ष के लिए निवेशित की गई है। ठीक है, तो रेट क्या है इसका, रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पे 20%। ठीक, उसने कहा। फिर तीसरी बात उसने बोली है कि 3 वर्ष के बाद जो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज का अंतर है वह कितना है, 448 रुपए। ठीक है, और पूछा क्या है उसने हमसे, पूछा है कि निवेशित राशि क्या है। तो हमने मान लिया है कि निवेशित राशि हमारी पी है, यानी मूलधन हमें इसमें निकालना है। अब जब बात 3 साल की आती है तो 3 साल के लिए हमारे पास एक सूत्र होता है। क्या होता है, 3 वर्ष का अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालें तो इसके लिए एक जो सूत्र होता है वह होता है मूलधन आर बटे 100 का स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में होता है 300 प्लस आर भागे 100। ठीक है, ए वाला फॉर्मूला हमें 3 साल के लिए यूज करना है। बात जब 2 साल के लिए होती थी तो हम इतना फॉर्मूला लगाते थे कि 300 प्लस आर भागे 100 ये तीसरे साल के लिए हमें लगाना पड़ा। इसके बाद जो जो वैल्यू है रख देंगे, इसकी वैल्यू है 448, मूलधन हमें निकालना है, आर की वैल्यू है 20 भागे 100 का स्क्वायर, यहाँ 300, आर की वैल्यू है 20 भागे 100। ठीक है, सब वैल्यू हमने रख दी, अब सॉल्व कर देंगे। 448 बराबर पी, यहाँ काटेंगे 5 बार जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा तो 1/25, और यहाँ हो जाएगा 320 भागे 100, यहाँ एक जीरो कट हो जाएगा तो पी बराबर क्या निकलेगा, 448 गुणा 25 गुणा 10 भागे 32। ठीक है, ये सब जो ऊपर थे वो नीचे आ गए, नीचे वाले गुणा में पहुंच गए। अब इसको कट कर देंगे, 32 से कट करेंगे तो 32 एकम 32 बचा 12, 128, 32 को 128, यानी कितना आ गया, 14 × 25 × 10। अब इसका हम गुणा कर देंगे तो गुणा दोनों का जब करेंगे तो कितना आएगा, 25 गुणा जब 14 करेंगे तो ये आ जाएगा 350 और गुणा 10 तो बराबर ये हो जाएगा 3500 रुपये। ठीक है, तो इस वाले प्रश्न में हमारा निवेशित राशि या मूलधन क्या निकल के आया, ये निकल के आया 3500 रुपये। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक बात याद रखना है कि अगर 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना हो या अंतर दिया गया हो तो ए वाला फॉर्मूला आपको यूज कर देना है। ठीक है ना, और अगर जब बात 2 साल की हो तो यहाँ से हम इस फॉर्मूले को डिवाइड कर देते हैं तो यह 2 साल के लिए बन जाता है। जब तीसरे साल के लिए 300 प्लस आर भागे 100 से और डिवाइड कर देते हैं, हमने सबकी वैल्यू रखी, कैलकुलेट कर दिया, आंसर निकल के आ गया 3500 रुपये। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।